मैं समझता हूँ कि कोई भी चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 10-10 साल दे चुके हैं लोग, देख चुके हैं लोग कि उन्होंने उत्तराखंड को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया, और लूट यहाँ तक पहुँच भी कि कई पहाड़ बर्बाद कर दिए, नदियाँ बर्बाद कर दी, जंगल बर्बाद कर दिए। आज उत्तराखंड के ऊपर 55,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? क्योंकि पिछले 20 साल में ना तो कोई स्कूल बना, ना कोई अस्पताल बना, ना कोई कॉलेज बना, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, नहीं तो जब इन्होंने कोई काम ही नहीं किया तो ये कर्जा कैसे चढ़ गया? ये सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने मिलकर, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना ली, स्विस बैंक को मिले गए। आम आदमी पार्टी की सरकार लोग देख रहे हैं, उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में लोग आते जाते रहते हैं, दिल्ली में बहुत उत्तराखंड के लोग रहते हैं, वो भी बात करते हैं कि दिल्ली में 7 साल में बहुत विकास हुआ है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी। तो लोगों को आम आदमी पार्टी से उम्मीद है कि ये कुछ करेगी, ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। हमारे कर्नल कोटियाल साहब फौज से रिटायर्ड हैं, इन्होंने इतनी समाज सेवा की है यहाँ पे, तो लोगों को उम्मीद है आम आदमी पार्टी से कि ये कुछ करेगी। तो जैसा मैंने कहा, चुनाव उम्मीदों पे होता है, तो जिस पार्टी से उम्मीद है उसी को वोट पड़ेगा। देखिए, ये कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। नई नई जब पार्टी आती है तो उसको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन जो जनता से रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन जनता जो भी आदेश देगी वो शर्माते पे। आज जनता, चाहे गढ़वाल की हो, चाहे कुमाऊं की हो, चाहे पहाड़ की हो या प्लेन की हो, उन्होंने तो 20 साल में बीजेपी और कांग्रेस का ही देखा है, और उनको आज जनता को उम्मीद है कि विकल्प में आम आदमी पार्टी जो आ रही है, ये हम सब की जरूरत है। ये खाली गढ़वाल और कुमाऊं की बात नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की जरूरत है, जो कि जनता खुलेआम तरीके से आमने सामने आकर के बता रही है। इसको इस रूप में देखते हैं कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आम आदमी पार्टी आज, मैं उत्तराखंड में आता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने दिल्ली में स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, हमको वोट दो, हम उत्तराखंड में भी कर देंगे। कांग्रेस कह सकती है क्या? कांग्रेस कह सकती है राजस्थान में हमने स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, छत्तीसगढ़ में हमने स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, पंजाब में हमने स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, हमको वोट दो, हमने? वो तो कह ही नहीं सकते। बीजेपी कह सकती है क्या कि हमने मध्य प्रदेश में स्कूल अस्पताल ठीक कर दिए, हमने जहाँ जहाँ हमारी सरकार है? वो तो कह ही नहीं सकते। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। आज कांग्रेस किस नाम पे वोट मांग रही है? कह रही है जी 5 साल इन्होंने लूट लिया, इनका अब खत्म हो गया, अब हमारी बारी है, अब हमें लूटने दो। और वो बीजेपी वाला कह रहा है जी मैं तो अभी 6 महीने आया था, अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी तो एक मौका और दो। तो उन्होंने तो लूटने के सिवा उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। एक पार्टी केवल हमारी पार्टी है जो कह रही है कि हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, आपके बच्चों को रोजगार दें। कोई पार्टी नहीं है जो इन चीज़ों की बात करती हो, कोई पार्टी नहीं है जो जनता के मुद्दों की बात करती हो। केवल गाली गलौज, इधर ये उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है। मैं पत्रकारों से बात करता हूँ, पत्रकार भी ये कहते हैं जी वो फलाने ने आपके बारे में ये कहा, आपको इस पर क्या कहना है? फिर उसके पास जाके कि आपके बारे में इन्होंने ये कहा। गाली गलौज की राजनीति से जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है यार हमारा काम हो, हमारे परिवार के लिए कुछ हो। हमारी जितनी गारंटी थी वो गारंटी हमारा घोषणा पत्र है। ये लोग घोषणा पत्र निकालते हैं, उसका क्या मतलब होता है? 5 आदमी स्टेज के ऊपर प्रेस के सामने खड़े हो जाते हैं, यूं एक घोषणा पत्र लेके यूं 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 फोटो खिंचा लेते हैं ना। जिन जो लोग फोटो खिंचाते हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता इसमें लिखा क्या है, ना जनता पढ़ती, ना मीडिया पढ़ता, ना वो पढ़ते, फॉर्मेलिटी होती है। हमने एक एक गारंटी, मैंने एक एक बार आके हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन में मैं आया, गारंटी दी, एक एक घर में गए हैं हम, एक एक घर में कार्ड साइंड कार्ड बांट के आए हैं, उनके नाम से रजिस्ट्रेशन किया है। ये असली घोषणा पत्र है हमारा। हमने कहा हम स्कूल ठीक करेंगे, गाँव गाँव के अंदर स्कूल खोलेंगे, हमने कहा हम अस्पताल बनाएंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, शानदार अस्पताल बनाएंगे। आज दिल्ली के 2 करोड़ लोग, कोई भी बीमार हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, 100% सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। कैंसर हो जाए, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट कराना हो, और चाहे छोटा सा बुखार हो, क्रोसिन चाहिए, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट। उत्तराखंड के सारे लोगों को भी आज मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको भी
सारा इलाज आपका हम कराएंगे, सरकार कराएगी, रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 5,000 रुपये महीना देंगे, हर महिला को 1,000-1,000 रुपये में, यही हमारा घोषणा पत्र, 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, पानी मुफ्त देंगे, दिल्ली में करके दिखाया हमने, हम कोई हवा में वादे नहीं कर रहे। साफ नीयत की सरकार चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ, उम्र में भी छोटा हूँ, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूँ, लेकिन मेरा 7 साल दिल्ली चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, सरकार में नीयत की कमी है। साफ नीयत वाली सरकार चाहिए। और आज के मैं ठोक बजा के कहता हूँ, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो साफ नीयत वाली पार्टी है, साफ नीयत वाली सरकार देंगे। और अगर नीयत साफ है तो सारा पुराना कर्जा भी सारा ठीक कर देंगे, उत्तराखंड का प्रॉफिट में ले आएंगे उत्तराखंड की सरकार को, आपके लिए स्कूल भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, बिजली भी ठीक करेंगे, पानी भी ठीक करेंगे, करके दिखाया है दिल्ली के अंदर। हम 60,000 करोड़ का कर्ज है, मेरे को बता रहे थे ये भी, 60,000 करोड़ का कर्ज। आपने सोचा ये कर्जा चढ़ा कैसे, ये पैसा गया कहाँ, ये 60,000 करोड़ का इन्होंने करा क्या, ना तो कोई स्कूल बना 20 साल में, ना कोई अस्पताल बना, एक भी स्कूल नहीं बना पूरे उत्तराखंड में, नया स्कूल 21 साल में, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई अस्पताल नहीं बना, कोई क्लिनिक नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी, कोई पुल नहीं बना, तो ये 60,000 करोड़ कहाँ ले गए ये सारा। एक सोचने वाली बात है, ये सारा इनके स्विस बैंकों में प्रॉपर्टी, एक एक नेता ने पता नहीं कितनी प्रॉपर्टियां बना रखी है न्यूजीलैंड में, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, इनकी प्रॉपर्टियों का कोई हिसाब ही नहीं है इनका, ये सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। तो ये जो मैं कहता हूँ भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम कहते हैं कि हम महिलाओं को 1,000-1,000, ये 60,000 करोड़ रुपया 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की वजह से नहीं चढ़ा, ये इनकी लूट की वजह से चढ़ा है। जितनी भी तक हमने गारंटी दी है, इस सारे का खर्चा मिला के 3,500 करोड़ आता है, सारा खर्चा, सारी गारंटियों का खर्चा मिला के। अगर हमने 20% करप्शन भी कम कर दिया, जो कि हम करेंगे, तो 55,000 करोड़ का बजट है, 11,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही बच गए, और 3,000 करोड़ की गारंटी दे रखी है, सारा हिसाब करके लाए हम। नहीं देखो, हमारी नई पार्टी है, नई पार्टी है, 4 स्टेट्स में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज कोई पंजाब में कह सकता है जी इनका फोकस पंजाब पे कम है, पिछले 10 दिन से मैं पंजाब नहीं गया, 12 दिन से, तो कोई ये भी कह सकता है कि पंजाब में कम है, कोई ये भी कह सकता है, तो जब मैं इधर जाता हूँ तो कहते हैं उधर फोकस कम है, उधर जाता हूँ तो कहते हैं इधर फोकस कम है, तो छोटी पार्टी है, छोटा नेतृत्व है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, जनता का साथ और जनता का प्यार मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। हर गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है, वही मॉडल है जैसे दिल्ली के मोहल्ले में खोल दिया, भाई आपको बुखार है, आपको जुकाम है, आपको छोटी मोटी बीमारी है, आपको ऑल इंडिया मेडिकल बड़े बड़े अस्पताल में जाने की क्या जरूरत है, आप अपने पड़ोस में मोहल्ले में चले जाओ क्लिनिक में, तो जैसे जो मोहल्ला क्लिनिक है वही गांव का क्लिनिक बन जाएगा यहाँ पे। दिल्ली में हमने पिछले कुछ सालों में 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया है, 10 लाख कम नहीं होते, मैं करके आया हूँ, उत्तराखंड में भी देंगे, उत्तराखंड में इनसे बात हो रही थी, अभी ये बता रहे थे हमारी इतना टूरिज्म का इतना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, भगवान ने सारे नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे दिए हैं, उसको बढ़ाया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, किसी को सरकारी नौकरी बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के नहीं मिलती, इसको बंद करेंगे, दिल्ली में भी पहले बहुत रिश्वत चलती थी, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी सरकारी नौकरियाँ देंगे, नए स्कूल खोलेंगे, नए अस्पताल खोलेंगे, मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, इन 5 चीज़ों से कम मेरे को लगता है 1 लाख के करीब नई सरकारी नौकरियां तैयार होंगी, बच्चों को नई सरकारी नौकरियां देंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज भ्रष्टाचार की वजह से लोग नई दुकान नहीं लगा सकते, नई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और बड़े स्केल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो लोगों को, बच्चों को यही नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारे पास पैसा ही नहीं है जी, हम ईमानदार लोग हैं, इन्होंने तो बेईमानों ने खूब पैसा कमा रखा है, तो जितना मर्जी खर्च कर दें। दिल्ली का जब हम 70 सीटें लड़े थे, 70 सीटें लड़ते हैं, 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है जो सारा हम वेबसाइट पे डाल देते हैं, पूरा चुनाव 70 सीटों का 20 करोड़ रुपए में लड़ते हैं,
ये लोग तो शायद एक सीट पे 20 करोड़ रुपए खर्च कर देते होंगे। तो उत्तराखंड का चुनाव भी ऐसे ही हम अक्कड़ पने में जनता साथ देगी, जनता लड़ाएगी चुनाव। मैं सहमत हूँ आपसे कि जब आपने 5 साल कोई काम ना किया हो, आपने ना स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना रोजगार दिए बच्चों के, तो जब जनता आके पूछती है अभी 5 साल क्या किया, तो फिर ये हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, है ना। दोनों पार्टियां यही करती हैं, इनको काम तो करती नहीं है ये, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम काम करते हैं। पिछली बार दिल्ली के चुनाव में मैंने अपील की थी जनता से, भाई जिसको ये लगे कि 5 साल केजरीवाल ने काम नहीं किया, मेरे को वोट मत देना। कौन कह सकता है मुख्यमंत्री खड़ा होके? और आज उत्तराखंड की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछ लेना दिल्ली में, उनसे पूछना केजरीवाल ने काम कैसा किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम नहीं किया, मेरे को उत्तराखंड में वोट मत देना। बीजेपी कांग्रेस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।